नमस्कार साथियों, यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम तो 13E का क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक प्रश्न संख्या 1 है कि एक 22 सेंटीमीटर आंतरिक किनारे वाले खोखले घन को 0.5 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाकार कंचों से भरा जाता है तथा यह कल्पना की जाती है कि घन का 1/8 स्थान भरा नहीं जा सकता है, तब घन में समावेशित होने वाले कंचों की संख्या है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल और दिया है, तो क्या दिया है ये जो है हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो घन का भुजा दिया है 22 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन निकाल लेंगे, तो भुजा का क्यूब होता है घन का आयतन, तो 22 का क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका जो हम लोग घन क्यूब करेंगे 22 का क्यूब, तो हो जाएगा 10,648, ठीक है। तो ये हो गया 10,648 सेंटीमीटर क्यूब, सेमी क्यूब, ठीक है, ये हो गया क्यूब में। अब फिर हम लोग को दिया है कि एक कंचे का व्यास कितना है, तो 0.5 सेंटीमीटर है। तो अब व्यास दिया है कंचे का, तो हम लोग जो है त्रिज्या निकाल सकते हैं, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 0.5/2, अब 0.5/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 0.25 सेमी, ठीक है। ये जो है किसका जो है कंचे का जो है व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो कंचे का व्यास इतना हो गया, तो अब हम कंचे का आयतन निकाल लेंगे, कंचे का आयतन का मतलब गोले का आयतन, तो एक कंचे का आयतन निकाल लेते हैं, तो एक कंचे का आयतन आयतन अर्थात गोले का आयतन समझिए, तो गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 और पाई आर क्यूब होता है ना, तो यहाँ पे जो है 4/3 पाई आर क्यूब करेंगे, तो 4/3 और पाई का मान जो है 22/7 ले लेंगे, और गुणे जो है आर का क्यूब यानी कि 0.25 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है सॉल्व करने पे जो है क्या हो सकता है, तो यहाँ जो है लिख सकते हैं 4/22 और गुणे 0.25 का क्यूब, ठीक है, अब बटे में लिख सकते हैं 3/7, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, ऊपर का ऊपर गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, तो 4/22 अब 0.25 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, तो इसका घन हो जाएगा 0.25 का 0.015625, ठीक है, और बट्टे में हो जाएगा 21, ठीक है। अब फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, तो आ जाएगा इसका जो है मैंने 22 गुणे 4 और गुणे इतना करेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1.375/21, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 21 से जब इसमें भाग देंगे हम लोग, तो ये आएगा 0.0655, ठीक है, 21 से मैंने 21, अब देखिए यहाँ 21 से कैसे भाग देना है, तो 21 से 13 में भाग जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है, तो 21 से 13 में भाग नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ दसवां बहा के और एक अंक और ले लेंगे, ठीक है, एक अंक और ले लेंगे तो 137 हो जाएगा, ठीक है। अब एक अंक और लेंगे तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है देखिए यहाँ एक अंक बाद मैंने एक यहाँ पे जब दशमलव का बाद वाला अंक लेते हैं तो यहाँ दशमलव लगा देते हैं, अब दशमलव के बाद फिर दूसरा अंक लेते हैं तो 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है, तो 0 बढ़ा लिया हमने। फिर अब 21 जो है 6 के कितना होगा, तो 21 6 के आपका हो जाएगा 6×6 = 12 यानी कि 126 हो जाएगा, ठीक है, तो 126 अब 137 में से 126 घटा देंगे, फिर जो बचेगा 5 बार में जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से तो आप लोग कर ही लेंगे। बस ये जानिए कि यहाँ देखिए यहाँ एक अंक में भाग जाएगा नहीं, तो दूसरा अंक लेंगे, तो दशमलव के जस्ट दूसरा अंक लेंगे तो यहाँ दशमलव बढ़ा लेंगे, उसके बाद जस्ट एक और अंक ले रहे हैं तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉइंट में 0655, ठीक है।
तो ये जो है इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है आयतन हो गया एक गोली का, ठीक है, माने एक जो गोली है उसका आयतन इतना हो गया, ठीक है। अब जो है हम लोगों को क्या करना है कि जो टोटल आयतन है ना उसमें जो है एक गोली के आयतन से भाग दे देंगे तो जो है हम लोग के कंचों की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। तो जो है कितना आयतन जो है हम लोगों का जो है टोटल घन का जो है भरा हुआ है उसको निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे घन का कंचों से भरा भाग, यहाँ पे निकालेंगे घन का कंचों से भरा भाग, कंचों से भरा भरा भाग। तो कंचों से भरा भाग क्या होगा, तो जो घन का पूरा आयतन है उसमें से, मैंने देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो घन का आयतन है ना उसका लगभग जो है मैंने कंचों से भरा गया भाग 1/8 स्थान है, ठीक है ना। मैंने यहाँ ये डिब्बा है तो इसमें जब गोली भर रहे हैं तो 1/8 भाग ही जो है भर रहा है कुल आयतन का, तो कुल आयतन का 1/8 भाग जो है भरा हुआ है, ठीक है। तो 1/8 भाग जो है नहीं भरा है, नहीं भरा है, ठीक है, ये भाग नहीं भरा है। तो कुल आयतन में से 1/8 भाग जो है घटाएंगे कुल आयतन का, ठीक है। तो यानी कि इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो है हम लोग लिखेंगे घन का कंचों से भरा भाग, तो कुल आयतन डिब्बे का कुल आयतन, घन का कुल आयतन, घन का कुल आयतन, कुल आयतन माइनस क्या करेंगे, घन के कुल आयतन में से जो है कुल आयतन का 1/8 घटा देंगे, कुल का 1/8 भाग घटा देंगे, ठीक है, तो माइनस कर देंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, तो घन का कुल आयतन कितना आया है, तो घन का कुल आयतन हम लोग का यहाँ पे देखिए घन का टोटल आयतन आया है यही ना 10,648। तो 10,648 तो ये टोटल हो गया 10,648, अब माइनस क्या कर देना है, 10,648 का 1/8 भाग नहीं भरा है तो ये घटा देंगे, तो 10,648 का 1/8 भाग घटा लेंगे, ठीक है। तो इसको जो जो 8 से जब इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा, अब देखिए इसको लिख लेंगे 10,648 अब माइनस, अब 8 से इसमें जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 13 3 1 हो जाएगा, ठीक है, 13 3 1, अब ये घटा देंगे तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9,317, 9,317 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इतना जो है सेंटीमीटर क्यूब भरा हुआ है, इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है भरा हुआ है कंचा, यानी कि भरा हुआ भाग जो है ये है और यही जो है भरा हुआ है कितना, तो 9,317 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब 9,317 सेंटीमीटर क्यूब में कंचों की संख्या कितनी है, तो हम यहाँ पर अब हम लोग निकाल सकते हैं कि कंचों से भरा भाग, तो यहाँ पे लिखेंगे कंचों से नहीं, कंचों की अभीष्ट संख्या, कंचों की अभीष्ट संख्या, अब अभीष्ट संख्या निकालेंगे ना, तो अभीष्ट संख्या क्या होगा, तो अभीष्ट संख्या क्या होगा, तो इस आयतन में जो हम लोग एक गोली के आयतन से भाग दे देंगे, ठीक है, एक गोली का आयतन हम लोग का कितना आया है, तो यहाँ पे देखिए एक गोली का आयतन हम लोग को आया है 0.0655 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसी से भाग देंगे 0.0655 से जो है भाग दे देंगे, ठीक है। अब देखिए इससे हम लोग को इसमें भाग देना है, तो यहाँ दशमलव के बाद देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो इसको पूर्णांक बना लेते हैं भाई, पूर्णांक से ही भाग देते हैं, तो इसको पूर्णांक बनाएंगे तो इसमें देखिए दशमलव के बाद कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, तो ऊपर 4 जीरो बढ़ा देंगे, तो 9 3 1 7 और 4 जीरो बढ़ा के इसको पूर्णांक में कन्वर्ट कर लेंगे तो 655 हो जाएगा, ठीक है। अब 655 से इसमें भाग दे दीजिएगा आप लोग, ठीक है, तो 655 से जब इसमें भाग दे देंगे आप लोग तो ये आ जाएगा 1 4 2 2 4 4, भाग दे के देखिएगा ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो ये जो है लगभग गोलियों की संख्या हो जाएगी, ठीक है, तो ये कंचों की संख्या हो जाएगी और ये विकल्प में आपको मिल जाएगा, विकल्प नंबर कौन सा है, तो विकल्प नंबर आपका ये है, देखिए कौन सा विकल्प है, कितना आया है 14 22 44,
14, 22, 44 यानी कि पहला विकल्प आपका सही है। ठीक है, तो पहला विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए एक घन है। ठीक है, कहने का मतलब है कि 22 सेंटीमीटर आंतरिक किनारे वाला एक खोखला घन है। ठीक है, तो घन है और 0.5 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाकार कंचों से इसको भरा जाता है। ठीक है, तो जितना आयतन जो है भरा जाता है कंचों से, ठीक है, तो जितना आयतन भरा जाएगा उतना ही आयतन जो है कंचों का भी होगा। ठीक है ना, मैंने आयतन के बराबर आयतन भरता है। ठीक है, तो घन का जो है आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, अब एक गोली का आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, एक गोली का आयतन से घन के आयतन में भाग दे दे रहे हैं। ठीक है, तो घन का जो है टोटल आयतन इतना हो गया, अब एक कंचे का जो है व्यास इतना है, तो इसका जो है त्रिज्या निकाल के और एक कंचे का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक कंचे का आयतन हम लोग निकाल लिए। अब चूंकि घन का जो कंचों से भरा हुआ भाग जो है कितना है, तो भाई टोटल भाग हम लोग का इतना है, आ कह रहा है कि 1/8 भाग ही भरा हुआ है। तो यानी कि टोटल का जो है 1/8 भाग भरा हुआ नहीं है, तो टोटल में से 1/8 भाग, मैंने टोटल का जो है 1/8 करके घटा देंगे तो कितना भरा है वह निकल गया। तो जो है भरा हुआ भाग कितना है, 9317 सेंटीमीटर भरा हुआ है। ठीक है, तो 9317 सेंटीमीटर में कितने गोली बैठे हुए हैं, तो एक गोली के आयतन से भाग दे दे रहे हैं, तो पता चल जा रहा है कि कितने गोली बैठे हुए हैं, तो इतने गोली बैठे हुए हैं। ठीक है, इसमें इतना से भाग देने पर। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और इसको जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अन्य विद्यार्थियों को, अन्य साथियों को, अन्य दोस्तों को जो है इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।